तो आज के वीडियो में हम आपको एनिमल फैक्ट्री का कुछ ऐसा सच बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप जरूर चौंक जाओगे। आपका इस वीडियो को देखना काफी जरूरी है क्योंकि इसमें हम दिखाएंगे कि आखिर कितनी बेरहमी से जानवरों के साथ सलूक किया जाता है। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। नंबर एक पर है केकड़े की फैक्ट्री। दोस्तों आप में से काफी सारे जन इनको खाते होंगे, पर क्या आपको पता है कि आखिर फैक्ट्री में इनको कैसे प्रोसेस किया जाता है? चलिए शुरुआत से जानते हैं। सबसे पहले मछुआरे सुबह के 3 बजे ही जाकर अपने जाल समुन्द्र में डालते हैं क्योंकि उस समय पानी शांत होता है। कुछ समय बाद उन जाल को बाहर निकाला जाता है। बड़े आकार वाले केकड़ों को छोटे केकड़ों से अलग किया जाता है। अब इन्हें ट्रेज में भरकर फैक्ट्री में लाया जाता है। यहाँ पर शुरू किया जाता है इनके मौत की शुरुआत। सबसे पहले इन्हें मारा जाता है। कुछ जन मर जाते हैं तो कुछ जनों को अधमरी अवस्था में कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है। अब ये कन्वेयर इन्हें गर्म पानी में डाल देता है जहां पर बचे हुए जन भी तड़प कर मर जाते हैं। अब इन्हें गर्म पानी से निकाल कर थोड़ा ठंडा किया जाता है। अब जिस मशीन पर इन्हें लगाया जाता है वो काफी खतरनाक है। इस मशीन पर इनके बाजू के पैरों को साइड हुक से लॉक किया जाता है। बीच में चल रही लाल लाइट इन्हें सेंस करके इनकी पोजीशन कंप्यूटर को बताती है। अब इन्हें धीरे धीरे आगे भेजा जाता है। अब आगे घूम रही सर्कुलर डिस्क इनके ऊपर के हार्ड कवरिंग को निकाल देता है। अब नीचे से चल रहा वाटर जेट इनके अंदर के गंदगी को निकाल देता है। अब इन्हें अनहुक करके दूसरे कंटेनर में डाला जाता है। अब इन्हें दूसरे कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है जो इन्हें उठाकर एक ब्लेड के पास ले जाता है जो इनके दोनों बाजू के पैरों को काट देता है। अब इनको एक रोलर में डालकर अंदर का हिस्सा बाहर निकाला जाता है। अब पैरों को अलग पैक करके बेचा जाता है और अंदर के हिस्से की अलग पैकिंग की जाती है। नंबर दो पर है चिकन। दोस्तों आपको कसाई के पास आम तरह से बनाए गए चिकन का तरीका तो पता ही होगा। चलिए हम आपको कुछ अलग तरीका दिखा देते हैं। आपको तो पता ही होगा कि मुर्गी के बाल निकालना काफी झंझट भरा काम होता है। उसे आसान किया है इस मशीन ने। आपको मुर्गी को बस इसमें डालना है और स्विच ऑन करना है। यह मुर्गी के सारे बाल निकाल देगा। आपको बस ऊपर से पानी डालते रहना है ताकि बाल साफ होकर नीचे गिरते रहे। दोस्तों इन मुर्गियों की बुचरिंग फैक्ट्री में भी की जाती है, पर यहाँ पर इन्हें काफी बेरहमी से मारा जाता है और ट्रीट किया जाता है जो कि हम यूट्यूब पर नहीं दिखा सकते। नंबर दो पर है फिश फैक्ट्री। दोस्तों आप में से काफी सारे जनों को मछलियां खाना काफी पसंद होगा, तो चलिए जानते हैं कि आखिर इन्हें कैसे पकड़ा जाता है और कैसे इन्हें फैक्ट्री में प्रोसेस किया जाता है। आपको तो पता ही होगा कि ज्यादातर मछलियां पानी से बाहर निकलने के बाद ही मर जाती है, इसीलिए नाव पर पकड़ने के बाद इन्हें कुछ समय के लिए ऐसे ही फ्लोर पर छोड़ा जाता है। मरने के बाद अब इनके प्रजाति और साइज के हिसाब से इन्हें अलग करके बर्फ में भरा जाता है। अब इन्हें फैक्ट्री में ले जाया जाता है जहां पर सबसे पहले तो इनके सिर को काटा जाता है। अब इन्हें कन्वेयर बेल्ट की मदद से पानी में डाला जाता है। अच्छे से धुलने के बाद इन्हें दूसरे कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है। अब इन्हें एक एक करके आगे भेजा जाता है और अब दूसरे दो ब्लेड इन्हें दो आधे हिस्सों में काट देते हैं। अब इन्हें फिर से पानी में डालकर धोया जाता है। जो मछलियां आकार में बड़ी होती है उन्हें हाथों से काटा जाता है। अब बचे हुए हिस्सों और कांटों को हाथों से हटाया जाता है। सब कुछ होने के बाद अब इनका वजन करके इन्हें पैक किया जाता है। कुछ हिस्से जिनको अच्छे से काटा नहीं जा सका उनको पेस्ट में कन्वर्ट किया जाता है। बाद में एक पाइप की मदद से उन्हें अलग कंटेनर में वजन के हिसाब से भरा जाता है और फिर उन्हें दुकानों में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर तीन पर है गुड़। दोस्तों गुड़ को बनाने के लिए लगने वाली सबसे अहम चीज है गन्ना। सबसे पहले एक मशीन की मदद से गन्नों में से जूस को निकाला जाता है। फिर एक बड़े से लोहे के कंटेनर को भट्टी के ऊपर डाला जाता है। अब जूस को इस लोहे के कंटेनर में डाला जाता है। आप इनकी साफ सफाई को देख ही सकते हैं। सारी और मक्खियां घूम रही है।
अब ऊपर के झाग को निकाला जाता है। झाग निकालने के बाद इस कंटेनर के नीचे आग लगाई जाती है। जैसे जैसे ये उबलता रहता है वैसे वैसे इसके ऊपर के झाग को निकालते रहने पड़ता है। कुछ समय बाद सही गाढ़ा होने के बाद इसे बाजू में लाकर इसमें नमक मिलाया जाता है। अब इसे आकार देने के लिए लगने वाले सांचे को धोया जाता है। अब हाथों से इस मिश्रण को सांचे में डाला जाता है। अब ये सांचों में बस है मिश्रण को ठंडा किया जाता है। अब वजन के हिसाब से इनकी पैकिंग की जाती है और इन्हें बेचने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 4 पर है आमवड़ी। दोस्तों ये चीज भारत में बहुत पॉपुलर है और शायद आपने इसे खाया भी होगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इसका प्रोडक्शन कैसे होता है। इन्हें बनाने के लिए भी सिर्फ खास तरह के ही आम का इस्तेमाल किया जाता है। गर्मी के मौसम में जब यह आम पककर तैयार हो जाते हैं तब इन्हें एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है। यदि आपने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे तो उससे आप ये अंदाजा लगा ही सकते हैं कि भारत में और भारत के बाहर साफ सफाई का कितना ख्याल रखा जाता है। सबसे पहले इन आमों के ऊपर का हिस्सा निकाला जाता है। अब इन्हें छोटे छोटे हिस्सों में काट कर छीला जाता है। सबके टुकड़े होने के बाद इन्हें दूसरे मशीन में डाला जाता है जो इनके रस को और छिलके और गुठलियों को अलग कर देता है। इस मशीन में एक बाजू से रस निकलता है तो दूसरे बाजू से छिलके। अब इस जूस को फिल्टर किया जाता है। जी हाँ, ये बनाते वक्त हमारे यहाँ ग्लोव्स भी पहने नहीं जाते। क्या ये देखने के बाद कभी आप इसे खाना चाहेंगे, ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अब इस जूस को एक बड़े स्टील कंटेनर में डालकर उसमें शक्कर डाली जाती है। आप इनके मिक्स करने के तरीके को भी देख ही सकते हैं। अब इसकी लेयर बनाकर इन्हें धूप में सुखाया जाता है। कड़क होने के बाद इनको काटा जाता है और फिर बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको सच्चाई दिखाना है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी का विरोध करना नहीं। आपकी इस बारे में क्या राय है ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आखिरी नंबर पर है सोन पापड़ी। दोस्तों इसे बनाने के लिए एक बड़े पतीले में सबसे पहले घी डाला जाता है। घी गर्म होने के बाद अब उसमें आटा डाला जाता है। अब उसे अच्छे से भूना जाता है। अच्छे से पतला होने के बाद उसे बाजू में निकाला जाता है। अब दूसरे पतीले में शक्कर और पानी को मिलाकर गर्म किया जाता है। अब उस चीनी को एक प्लेन प्लेटफॉर्म पर डाला जाता है। अब पहले बनाए हुए आटे के साथ उस चीनी को मिक्स किया जाता है। अब कुछ लोग मिलकर इसे काफी बार खींचते हैं। इसी के खींचने के कारण सोन पापड़ी इतनी बारीक धागे जैसी बनती है। अब काफी देर खींचने के बाद और सही अमाउंट में बारीक होने के बाद उसे अलग किया जाता है। अब इन्हें अलग अलग सांचों में भरकर शेप दिया जाता है और बाद में उन्हें पैक किया जाता है और बेचने के लिए भेज दिया जाता है। हमारे आज के शाउट आउट के पहली विनर है श्रेया चक्रवर्ती। ये कहती है, योर इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंस्पायरिंग एंड नॉलेजेबल दैट एवरीवन नीड्स टू नो द आउटसाइड वर्ल्ड। धन्यवाद श्रेया जी, हमें आपकी कमेंट पढ़कर काफी खुशी हुई। आज के शाउट आउट के दूसरे विनर है सुमित कुमार। ये कहते हैं, नाइस वर्क सर, सच में जो इन्फॉर्मेशन आप सबको देते हैं वो काफी काम की होती है। इससे पहले मुझे किसी चीज की नॉलेज नहीं थी, बस अब तो आपकी वीडियो का इंतजार रहता है। सच अ ग्रेट वर्क, थैंक यू सो मच। सुमित कुमार जी, आपकी कमेंट पढ़कर भी हमें काफी खुशी मिली। हम ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। आज के शाउट आउट की आखिरी विनर है स्वीटी शर्मा। ये कहती है, सर यू ऑलवेज ब्रिंग अस वेरी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स, सो थैंक यू सो मच फ्रॉम हार्ट। दोस्तों यदि आपको भी चाहिए ऐसा ही अमेजिंग शाउट आउट तो इस वीडियो के नीचे कोई अच्छी सी कमेंट कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दो
चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना।